एप्लीकेशन से जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है तो पूरे 1000 रुपए की यहाँ पे मिली है। तो इस एप्लीकेशन से आप 1000 से लेके पूरे 10000 रुपए तक की यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ से लिमिट ले सकते हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप यहाँ से लिमिट ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे लगभग ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करती है तो लगभग ज्यादा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वर्क करती है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो 1000 रुपए की लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो उसका सर्विस चार्ज दिखा रहा है सिर्फ 60 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है। 90 दिन का आपको यहाँ पे टेनवर मिलने वाला है और मैक्सिमम आपको यहाँ पे टेनवर आपको 60 दिन से लेकर 90 दिन तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप इसको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपके जो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो वो पैसे आपके यहाँ पे ट्रांसफर होंगे 940 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। उसके बाद यहाँ पे 60 रुपए का आपको सर्विस चार्ज आपके यहाँ पे लगेगा। और इस एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे गेट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का यहाँ पे पूरा करना है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे एक आधार कार्ड डालना पड़ेगा। जैसे आप अपने आधार कार्ड को सबमिट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल हिस्ट्री यहाँ पे वन स्टेप पे यहाँ पे ओके हो जाएगी। अब जो सेकंड स्टेप कौन सा वो है पैन कार्ड, तो उसके लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एक पैन कार्ड है तो आपका जो सेकंड स्टेप है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है थर्ड स्टेप, जो थर्ड स्टेप आ रहा है उसके बाद जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आधार नंबर से यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, जैसे आप ओटीपी करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके तीन स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ऑथोराइज्ड, तो आपके पास एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड है, जैसे आप अपने आईडी कार्ड को यहाँ पे सबमिट करेंगे आपके जो चार स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है कॉलेज डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज के भी यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे क्योंकि एप्लीकेशन एक पूरे तरीके से आरबीआई एप्लीकेशन अप्रूवड है। तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, 1000 से लेके 10000 रुपए तक की लिमिट आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एजुकेशन की फीस भर सकते हैं या अपने लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके 60 दिन से लेके 90 दिन तक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं इसके अबाउट सेक्शन पे चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी सारा सारा लिखा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे लिमिट चाहिए तो एप्लीकेशन एक अच्छी एप्लीकेशन है और आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैक करके भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे 1000 रुपए की लिमिट मिलती है तो जिसका टेनवर आपको पूरे 90 दिन का मिलेगा, 0% इंटरेस्ट लगने वाला है, प्रोसेसिंग फीस आपकी 152 रुपए लगेगी, 28 रुपए की जीएसटी लगेगी और टोटल चार्ज आपका 180 रुपए लगेगा। उसके बाद जो वहाँ पे इसको रिपेमेंट करना है 1180 रुपए आपको यहाँ पे पूरी रिपेमेंट करनी है, वो भी पूरे 90 दिन के बाद। तो भी आप देख सकते हैं एक अच्छी एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पे लॉन्ग टेनवर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैक्सिमम टेनवर आपका 60 दिन का है और यहाँ पे मिनिमम टेनवर आपका यहाँ पे 90 दिन का है। उसके बाद यहाँ पे लोन अप्रूवल आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी केरोन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसका यहाँ पे लेंडर पार्टनर है जो इसको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद भी थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाती है तो आप इसकी जैसी लिमिट को रिपेमेंट को टाइमली करेंगे तो जो आपकी लिमिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी। उसके बाद 1000 से लेके 10000 रुपए तक की लिमिट आपको स्टार्टिंग पे मिल सकती है। एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैं इसके यहाँ पे बैक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्टूडेंट लोन क्रेडिट ऐप टू कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया। तो अगर आप एक आपका कॉलेज स्टूडेंट मतलब इंडिया में वर्क करते हो तो आप इंडिया में किसी भी जगह से आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। इसके पास सपोर्ट ईमेल जो है इनका अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई भी क्वारी है तो ईमेल सपोर्ट पे बात यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद काफी सारे यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन मैंने करी टू ग्रेट कैश अप तो 0% इंटरेस्ट स्टूडेंट लोन, तो ये लोन है एक स्टूडेंट लोन है तो स्टूडेंट लोन आपको 0% इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके बाद मैं फिर से बैक करके एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो एप्लीकेशन नंबर है टू ग्रेट स्टूडेंट लोन ऐप, तो ये एप्लीकेशन लगभग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है। तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो भी मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे जो लिमिट है 1000 रुपए की यहाँ पे दिखा दी। अगर आप एक स्टूडेंट है आपके पास एक आईडी कार्ड है तो हो सकता है आपको 1000 से लेके 10000 के बीच की लिमिट आपके यहाँ पे मिल जाए। तो इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे जो 4.6 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे यहाँ पे इसके डाउनलोड है। तो 1000000 प्लस इसके यहाँ पे इसके डाउनलोड है क्योंकि एप्लीकेशन लगभग यहाँ पे स्टूडेंट के लिए वर्क करती है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस
एप्लीकेशन से 100% आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। सिर्फ आईडी कार्ड होनी चाहिए और आप एक स्टूडेंट कॉलेज होने वाले होने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको जो लिमिट मिलेगी सिर्फ आपको चार्ज लगेगा सिर्फ 60 रुपए का लगेगा और 940 रुपए आपके बैंक अकाउंट पे यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ट्रांसफर कर दे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।